सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मांझी टोला में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना में घायल बीट पांडे के पिता विपिन कुमार पांडे ने बताया, 5 दिन पूर्व संतोष थाना गिरोह के अपराधियों ने उनके पुत्र को गोली मारने की धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि गोली मारने वाले युवक को वो पहचानते हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी है। उन्होंने बताया है कि गिरोह का मास्टरमाइंड संतोष थापा है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी जमीन विवाद को लेकर संतोष थापा का नाम कई मामलों में आ चुका है। वैसे पिछले एक अखवाड़े के भीतर आदित्यपुर थाना क्षेत्र के अपराधियों का मनोबल पूरी तरह बढ़ गया है। एक और जहां अभी मुस्लिम बस्ती का मामला थमा नहीं कि दूसरी तरफ बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। फिलहाल युवक का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आइए सुनते हैं घायल बिट पांडे के पिता विपिन कुमार पांडे की बातें। घटना सर आज के हमारे 5 दिन पहले झगड़ा हुआ था ये लोग में, दोस्त में एक, वहीं मांझी टोला का ही है, मिश्रा जी का लड़का जो गैंग में है वो लड़का लोग, तो वो धमकी भी इसको दिया था। आम ऐसे ही दोस्त में झगड़ा हुआ था तो बोला गोली मार देंगे। ये लड़का लोग संतोष थापा का लड़का है, लड़का का पहचान हो गया है, दो लड़का है, सतबहनी का है वो लोग। तो हम प्रशासन को तो नाम हम बता दिए हैं उनका, अभी तो अब देखिए क्या होता है। दवा लाने के लिए जा रहा था, 7 बजे हम अपने दवा लाने के लिए भेजे हैं दिलीप सीमेंट दुकान के बगल में, और जैसे ही गाड़ी लेकर के निकला वहाँ लड़का लोग लगा हुआ था, वहीं उसको गोली मारा है। मेरा लड़का बस ऐसे ही प्राइवेट में काम करता है सर जी, नहीं बस कुछ नहीं हुआ।